नंबर आठ, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चे को अशरफुल उलूम, इन खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अगर है तो वह अल्लाह की बात, अल्लाह की किताब है। सबसे बड़ा इल्म कौन सा? जो अल्लाह ने अपने नबी को दिया, वो कौन सा है? कुरान। ये इल्म अगर अपनी औलाद को देता है उसका क्या है? आइए देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व तअल्लमहु व अमिल बिही, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान को सीखा गहराई के साथ और उसके मुताबिक अमल भी किया, कुरान की तिलावत भी करता था, लेकिन खाली तिलावत पर इक्तिफा नहीं करता था बल्कि कुरान के मानी, उसके अहकाम को सीखा उसने, और वामिला भी उसके मुताबिक अमल भी किया, पढ़ा, सीखा, अमल किया, तीन काम। उल बिसयौमल क़ियामती ताजम मिन नूर, क़ियामत के दिन उसे नूर का ताज पहनाया जाएगा। दौउहू मिथ्लु दौउ शम्स, उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसे सूरज का नूर, सूरज की रोशनी की तरह बिल्कुल इतना रोशन ताज होगा। वह युक्सा वालिदैही हुल्लतानी ला यकूमु बिहिमा दुनिया, और उसके माँ बाप को, बाप को भी माँ को भी, दोनों को। वह युक्सा वालिदैही, उसके माँ बाप को एक ऐसा लिबास जोड़ा पहनाया जाएगा, ला यकूमु बिहिमा अद्दुनिया, पूरी दुनिया की सारी चीजें बेच कर भी उसकी कीमत नहीं दे सकते, इतना महंगा और कीमती लिबास माँ बाप को पहना जाएगा। वह युक्सा वालिदई ही होलता निलाया कुम भी मत दुनिया फयों गुलान, माँ बाप कहेंगे बीमा कुसीना, अल्लाह हमको किस बुनियाद पे इतना अच्छा लिबास तूने पहनाया। फयुकाल बे अखदी वलदी कुमा अल कुरआन, उनसे कहा जाएगा तुम्हारी जो औलाद ने कुरान का इल्म लिया ना, कुरान का एहतमाम किया ना, उसके बदले तुमको दिया जा रहा है। तुम्हारी औलाद के कुरान के इल्म के एहतमाम की वजह से कि उसने उसको सीखा, उसकी तिलावत का एहतमाम किया और उसके मुताबिक अमल किया, तो कुरान से जुड़ा रहा तुम्हारा बेटा बेटी, उसकी वजह से तुमको ये किया जा रहा है। इतना आला लिबास तुमको दिया गया है, ऐसा आला लिबास, इतना उम्दा लिबास के पूरी दुनिया बेच के भी उसकी कीमत नहीं दे सकते। इतने खजाने दुनिया में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, क्या नहीं है दुनिया में, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है, ये सब भी उसकी मिल के कीमत नहीं बन सकते। एक ड्रेस, कैसा ड्रेस होगा उठता ये, किसके लिए, किस बुनियाद पर है? बेटे को इंजीनियर बनाने की वजह से है ऐसा, डॉक्टर बनाने की वजह से, आईटी में भेजने की वजह से नहीं, बेटे को कुरान का इल्म देने की वजह से कि उसने कुरान को जिंदगी में ऊंचा मकाम दिया, उसका एहतमाम करता रहा, पढ़ना, सीखना, अमल करना। कहां जा रहे हम लोग? जैक केंजिल, हाँ, हमारी जिंदगी में ये है, ABCD 1 2 3 4 2 1 2, ठीक है, उसको जहां रखना है वहीं रखिए, उसको जहां रखना है वहीं रखिए। दीन का इल्म जो है उसका मकाम ऊंचा है, उसके साथ वो भी हो ठीक है, दुनिया में भी चलना है भाई उसको। वला तंस नसीबक मिन अद्दुनिया, दुनिया में जो तेरा हिस्सा है उसको भूल मत, दुनिया में तेरा जो हव है, जो हिस्सा है, जो जिम्मेदारी, उसको भूल मत, लेकिन दीन, ये तो मकसद है, वो जरूरत है, जरूरत के लिए मकसद को कुर्बान नहीं किया जा सकता है, मकसद के लिए जरूरत को कुर्बान किया जा सकता है। तो हम दीन का इल्म कुरान से उसको जोड़ें, हम सारी दुनिया के इल्म उसको सिखा रहे, कुरान नहीं सिखा रहे उसको, ये होना चाहिए, ये जिंदगी में होना चाहिए कि कुरान सिखाया जाए और उसके साथ बाकी उलूम भी सिखाइए, कोई मसला नहीं। इस्लाम इसका दुश्मन थोड़ी है, इस्लाम मुखालिफ थोड़ी है दुनिया उलूम का, दुनिया अभी भी मुसलमान आगे हो, साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े ओहदों पर अच्छे से अच्छा इंजीनियर हो, बड़े बड़े लोग उसको बुलाते हो, भाई हमारी बड़ी बिल्डिंग है देखो, चेक करो जरा इसका सही बना है कि नहीं खाका, ऐसा हमारा बच्चा ऐसा हो, बड़ा बन के ऐसा बने हुआ, लेकिन दीन को छोड़ के नहीं, दीन को छोड़ के नहीं। खाना खाते वक्त सांस लेना छोड़ देते, हाँ बोले सांस लेना ही बंद हो गया तो खाना, मर जाऊंगा ना मैं,
खाना रुक सकता है, सांस रुक सकता, एक घंटा पोस्टपोन खाना हो सकता कि नहीं? हो सकता। सांस एक घंटा तीन मिनट भी नहीं कर सकते, हाँ यही पोस्टपोन हो जाए, प्रीपोन हो जाएगा, ये चला जाएगा। कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा अहम होती हैं, कुछ चीजों को टाला जा सकता है, कुछ चीजों को टाला नहीं जा सकता है। दुनियावी तालीम, डिग्री, ये सब टाला जा सकता है, दीनी तालीम और तरबियत को टाला नहीं जा सकता है। हम किसको टालते रहते हैं? अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ रहा, दसवीं के इम्तहान है, बारहवीं के हैं, ग्रेजुएशन हो रहा, उसके बाद पढ़ता नहीं, पढ़ाता वो सब बाजू रखो, तुम्हारा मैं जो बोल रहा सुनो, दुनिया के साथ चलो, नए दौर के हिसाब से चलो। आलिमों को भी ऐसा बनना मांगता, वो अब सबको सुधारने निकलता हो, वो सारी दुनिया को दुनिया के जैसा बनाना चाहता है, वो दीनदारों को भी दुनियादार बनाना चाहता है, इस्लाम में रिफॉर्मेशन लाना चाहता, मुसलमानों में नहीं, वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता। इस्लाम में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको फिलोसोफर बना दिया एकदम। अब वो खुद नहीं सुधरेगा, अब वो इस्लाम को सुधारेगा। कितने लोग मुर्तद हो जाते हैं, कितने लोग मुर्तद हो जाते हैं, कितनी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करके घर छोड़ के भाग जाती, फिर फोन करते क्या करना आलिम साहब, ऐसा ऐसा हुआ हमारी बच्ची, देखिए पढ़ रही थी, पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते चली गई, घर छोड़ के भाग गई, चिट्ठी देके गई, या है घर में सुनती ही नहीं हमारा, वो बोलती मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी, फांसी लेके मर जाऊंगी, क्या करना आप बताइए। पहले शादी करा के उसको बाद में कलमा पढ़ाए तो चलता क्या है? उनको बोलना पड़ता, आलिम साहब बोलते पहले तुम पढ़ो उसको बाद में पढ़ाओ, पहले अभी तुम पढ़ो कलमा पढ़े। ये माँ बाप है ऐसे हाल, एक नहीं हमको कईयों फोन आते इस तरह से कि बच्ची ऐसी थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, हम समझते थे दीनदार हैं, लेकिन आज उसका हाल ऐसा हो गया। इस्लाम के बारे में उसके ये मामला थे, कॉलेज में ऐसा मामला उसका चल रहा है, जॉब करने के लिए लगी, हम सोच रहे थे कि पढ़ लिख के कुछ बने, कल को तलाक हो तो अपने पांव पे खड़ी हो, इसको तो हम पांव पे खड़ा करना चाहते थे, तो पर वाली हो गई, ये दौड़ रही नहीं है तो उड़ गई, चली गई। कितने केसेस ऐसे आते हैं, ये बहुत अफसोस की चीज है। अल्लाह ताला समझ दे माँ बाप को, दुनिया हमारे दिमाग में जो बैठी हुई है ना, इसने हम लोगों को बिगाड़ दिया है। आखिरत अगर बैठी होती ना तो सब सही हो जाता है। दुनिया माँ बाप बच्ची को पढ़ा रहे भी क्यों, नीयत की कितनी खबीस नीयत है कि जब ये शादी करके जाएगी तो शोहर पे डिपेंडेंट ना रहे, कल को शोहर अगर तलाक दे दे तो फिर खुद से कमा के खाए। कितना दूर बुरा बुरा सोच रहा, अल्लाह से अच्छा गुमान रख, बुरा गुमान, बुरा गुमान, अच्छा गुमान रखे इंसान। तो हमारी नीयतें ऐसी है, तो ये सोच हमारी अगर होगी तो कौम क्यों नहीं बिगड़ेगी, औलाद क्यों नहीं बिगड़ेगी। हम पहले से उसके बारे में ऐसा सोच रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसे ही होता फिर। तो ये हदीस बताती है कि कुरान का इल्म औलाद को देने से कयामत के दिन वालिदैन को अल्लाह ताला इज्जत वाला लिबास देगा। लिबास देना एक इज्जत की अलामत है। आज भी देखिए आप लिबास देते हैं इज्जत के तौर पर, शाल उड़ा रहे, उसको कुछ कुर्ता दे रहे, कुछ लिबास दे रहे, वो एक एहतराम होता है, पगड़ी बांधते हैं, इज्जत होती है वो। अल्लाह ताला की तरफ से ये उसके लिए क्या होगा, आखिरत में एक इनाम होगा, तेरा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि तूने औलाद को कुरान वाला बनाया। उसको अल्लाह इज्जत वाला लिबास देगा, ऐसा लिबास कि दुनिया उसके सामने बेकीमत है, क्योंकि तूने दुनिया को नहीं अपने लिए मकसूद बनाया, कुरान दीन को मकसूद बनाया। आज तू इस लायक है कि दुनिया से बढ़ के तुझको लिबास हम देंगे, इतना अच्छा लिबास देंगे तुझको, पूरी दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं, पूरी दुनिया की कीमत भी नहीं हो सकती, उससे आला लिबास देंगे, इज्जत वाला लिबास। वहां इज्जत अगर चाहिए, यहां दीन को इज्जत देनी पड़ेगी। दीन को सेकेंडरी नॉलेज नहीं बनाना है, प्राइमरी बनाना है उसको। दीन प्राइमरी, हम क्या बनाते उसको सेकेंडरी, टाइम बचा तो दीन, नहीं तो नहीं। दीन असल है, दुनिया बाद में, याद रखें इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यजीउल कुरान यौमल क़ियामती फयकूल या रब्बी हल्लीही फयल्बसु ताजल कराम। क़ियामत के दिन कुरान आएगा और अल्लाह ताला से कहेगा, ए रब
اے رب، اے میرے رب، حلی ہی، اس کو لباس پہنا، کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کو. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا. ماں باپ کو تو ملا، اس کو بھی ملنے والا ہے جو پڑھا. ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ، پھر کہے گا اے رب اس کو اور زیادہ دے. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، اسے کرامت کا لباس پہنایا جائے گا، لباس جوڑا، تاج پہنایا گیا، اسی کے ساتھ اس کو عزت اور شرف والا لباس پہنایا گیا. ثم یقول یا ربی ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا. قرآن سے مراد یہاں قرآن کا ثواب اور قرآن کے پڑھنے والا عمل کا انجام ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ ثواب ہے. امام احمد ابن حنبل نے بات کہی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ثواب ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو عمل آدمی کرتا ہے وہ عمل اس کی قبر میں، آخرت میں اس کا اجر اس کے سامنے آئے گا. جیسے اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ مال کیا ہوگا؟ سانپ بن کے اس کو ڈسے گا. تو اس طرح سے جو بھی اعمال ہیں قبر میں بھی اس کا عمل اس کے سامنے آتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں، خوبصورت تو خوبصورت، اچھا تو اچھا، برا تو برا، تو اس کو وہ شکل میں آتا ہے اور بات کرتا ہے. ثم یقول یا ربی ارض عنہ فیرض عنہ، کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اس سے راضی ہوگا. فیقال له اقرا ورقا وتزاد بكل آیۃ حسنہ، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور تیرے لیے ہر آیت کے بدلے ایک نیکی ہے، ہر آیت کے بدلے ایک نیکی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 8030، حدیث حسن ہے. ابن ماجہ کے الفاظ ہیں یقال لصاحب القرآن اذا دخل الجنہ، قرآن والا، قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، یاد کرنے والا، اس کا اہتمام کرنے والا جب جنت میں جائے گا تو اسے کہا جائے گا اقرا وسعد، قرآن پڑھ اور جنت کے درجات، جنت کی سیڑھیاں چڑھ. فَيَقْرَأُ وَيَسْعَدُ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةً، وہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک درجہ اس کا اونچا ہوتا جائے گا. حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعْهُ، یہاں تک کہ وہ آخری چیز، آخری آیت قرآن کی جتنی اس کے ساتھ تھی اتنی پڑھ لے، وہاں تک درجات اس کے ہوں گے. یہ وہ آدمی جو قرآن کے ساتھ جڑا رہا، جس کا خاص معاملہ قرآن کے ساتھ تھا، قرآن والا تھا یہ، تو اس کے لیے آخرت میں یہ، اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی لباس، تاج اور اتنا اونچا مقام، درجات اس کو جنت کے ملیں گے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 8121، اور حدیث صحیح ہے. تو یہ قرآن کا علم ہے. ہمارے گھروں میں دیکھیے قرآن پڑھنا کتنوں کو آتا ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، اور اس کے بعد عمل ہے. قرآن پڑھنا تجوید سے کتنوں کو آتا ہے؟ کسی آدمی کو بولو ذرا آپ امامت کرو، میں نہیں کرتا. امام بنو؟ کیوں؟ بولے پڑھنے نہیں آتا قرآن، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. تو اتنے دن سے اکیلا پڑھ رہا، اس میں شرم نہیں آئی اس کی؟ تو لوگوں کے سامنے پڑھنے سے شرما رہا، اللہ کے سامنے اکیلے میں بھی تو شرمانا چاہیے تھا نا. لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا پڑھنا نہیں آتا اس لیے شرما رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو پڑھ رہا نا، اس سے کبھی نہیں شرمایا کہ اللہ کے کلام کو اتنے بگڑے ہوئے انداز میں پڑھ رہا ہے؟ کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھ کو اللہ کا کلام صحیح پڑھنا چاہیے؟ سوچیے، اپنی قرآن کو صحیح سے سیکھے، صحیح پڑھے، اپنی اولاد کو صحیح پڑھائے اور اس کا اہتمام کریں.